दोस्तों स्टूडेंट्स कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग लेकर के आए हैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 6, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6। ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, ये बीबीएमक्यू के बच्चों के लिए भी चल रहा है, बीवीयू के बच्चों के लिए भी चल रहा है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए भी चल रहा है और बीबीएमक्यू के लिए भी चल रहा है। ठीक है, आइए आज का लेक्चर का शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। देखिए, इससे पहले आपने जानते होंगे कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस एक्स का क्या होता था, ये सब जानते थे। लेकिन अभी जो है कि नया आया हुआ है, ठीक है ना, नया टॉपिक आया हुआ है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और जब हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ाएंगे तो उस समय इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में टू। देखिए, साइन है तो यहां पर माइनस है और कॉस है तो यहां पर प्लस है, ठीक है। फिर टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। फिर नेक्स्ट है आपका कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। नेक्स्ट है सेक हाइपरबोलिक एक्स का वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। नेक्स्ट है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो आप फटाफट इसको उतार ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चले, ठीक है ना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट, जैसे कि आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा क्लास 9th में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये पढ़ा होगा। लेकिन अब जो है कि हम लोग कुछ नया चीज पढ़ने वाले हैं हाइपरबोलिक के रूल के अकॉर्डिंग। कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है, चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। एलएचएस ले लिया है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। कॉस एक्स का कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर कर लिया, फिर बीच में माइनस है माइनस दे दिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू होता है, उसको रख लिया, उसका स्क्वायर कर देंगे। यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में फिर माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में 2 का स्क्वायर। आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हासिल होता है। देखिए, ई टू द पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए और ये हो जाएगा बी और प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर बीच में यहां पर देखिए फिर नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। नेक्स्ट है माइनस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर भी टूटेगा, तो ए स्क्वायर फिर माइनस 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर है ना, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, e का पावर 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू ई टू द पावर, बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर एड हो जाएगा, तो x माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2x, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, फिर माइनस ई टू द पावर 2x, फिर माइनस 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स, फिर प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, और नीचे में बाई में 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, आइए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, और ये आपका बीच में 4 है, फिर माइनस ई टू द पावर 2x, फिर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 0 एक्स माइनस एक्स 0, फिर प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, नीचे में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते पूरे का, या नीचे 4 हो गया, ऊपर में ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ई टू द पावर 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा, ये सेम है, ये सेम है, कट गया, ठीक है। इसके बाद ये सेम है, ये सेम है, कट गया, बचा क्या, ऊपर में 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, और नीचे में 4 बचा, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, जरा देखिए, देखिए cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x इक्वल टू वन, तो हमने प्रूव कर दिया, LHS लेके चला, ये चीज में हमने लेके चला है और ये चीज प्रूव कर दिया, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन हाइपरबोलिक x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला लिख दिया, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 वैल्यू लिख दिए। अब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 by 2 कोफिशिएंट बाहर हो जाएगा, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, ऑलरेडी माइनस है माइनस लगा दीजिए, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x तो होगा ही होगा, और माइनस फिर बाहर निकल जाएगा कोफिशिएंट का, तो माइनस निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फुल एंड फाइनल हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन में 2, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका इसका क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और माइनस रहता तो साइन हो जाता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, प्लस है इसीलिए। नेक्स्ट है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, ध्यान दीजिएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला लिख दिया, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन में 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 2 तो कोफिशिएंट पहले ही बाहर हो जाएगा, और e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x होता ही है, और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, माइनस 1 बाहर हो जाएगा, x का कोफिशिएंट बाहर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 e टू द पावर x, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x, तो आपको पता चल गया कि cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x, और साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक x। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या, tan हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन करना है, तो tan हाइपरबोलिक x को लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x, इसमें u by v रूल लगा सकते हैं, नीचे में v का स्क्वायर है ना, ऊपर v को छोड़ दिए, फिर साइन को किए है ना, u को साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन किए, फिर साइन हाइपरबोलिक x को छोड़ दिए, फिर v को किए है ना, cos हाइपरबोलिक x को डिफरेंशिएट किए, u by v रूल मालूम होगा ना, u by v रूल क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो भी का स्क्वायर होता है, ऊपर भी को छोड़ देते हैं, यू को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस यू को छोड़ देते हैं, फिर भी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वही तो किया है ना, भी को स्क्वायर कर दिए, ऊपर भी को छोड़ दिए, यू को डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यू को छोड़ दिए बीच में माइनस, और फिर भी को डिफरेंशिएट किए, समझ में आ रहा है ना, भी को छोड़ दिए फिर यू को डिफरेंशिएट किया ना, क्या है समझिए, फिर से भी को स्क्वायर किए, भी को छोड़ दिए, यू को डिफरेंशिएट किए, यू को छोड़ दिए, फिर भी को डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर सही रहने दिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स का अभी डिफरेंशिएशन देखे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स रहने दिए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का अभी डिफरेंशिएशन देखे, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, और कॉस 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 स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, और अभी अभी हमने देखा कि कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स और माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स 1 होता है, 1 लिख दिए, नीचे में कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स है रहने दिए, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को हम लोग कहते हैं सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको फटाक से उतार लीजिए, कुछ तो है ही नहीं था मिशन में, है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का आपको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना है, कैसे लिखेगा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, लिख लिए, फिर कीजिए लेट, है ना, मान लीजिए, जो नहीं दिया हो तो मानना पड़ेगा, लेट y बराबर 1 अपॉन ax प्लस b, मान लिए, बहुत अच्छा। अब क्या कीजिए, y बराबर इसको लिख सकते हैं आप ax प्लस b का होल टू द पावर माइनस 1, लिख लीजिए। अब डिफरेंशिएट लिखिए, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y बराबर होगा, अब ये माइनस 1, देखिए माइनस 1 आपको मालूम है कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर में जो भी रहता है वो बाहर हो जाता है, माइनस 1 बाहर हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट क्या है, वो a है, वो निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1, समझ में आ रहा ना, देखिए समझेगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n बाहर होता है, x टू द पावर n माइनस 1 होता है ना, तो उसी वजह से माइनस 1 क्या हो गया, n की तरह काम कर रहा, माइनस 1 बाहर हो गया, ठीक है, और x टू द पावर n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 है ना, माइनस 1 फिर माइनस 1 होता है ना, माइनस 1, ठीक है, और x का कोफिशिएंट क्या a है, a बार निकल गया, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस 1 का पावर 1 हो जाएगा, और a, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ax प्लस b का पावर माइनस का 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। नेक्स्ट समझिएगा, अब फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो यहां पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ये आप अपना कीजिएगा, y1 को करेंगे तो डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 1 है वो रखने दीजिए,
ठीक है, और a भी ऑलरेडी है कोफिशियंट, वो भी रहने दीजिए। फिर माइनस टू बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी पावर में रहेगा वो बाहर आ जाता है, और x का कोफिशियंट भी बाहर आ जाएगा a। या फिर आप ऐसा कर सकते, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा कर लीजिए, सुनिए ध्यान दीजिए कैसे कीजिएगा। माइनस वन का पावर वन है ना, वो रहने दीजिए, ए है ना उसको भी रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक्स ये देखिए इसको पढ़िए, एक्स प्लस बी को आप एक्स पढ़िए, तो एक्स टू द पावर एन, एन आपको माइनस टू है तो एन बाहर हो जाएगा, तो आपका एन बाहर हो गया, माइनस टू बाहर हो गया, और एक्स के पावर मतलब एक्स प्लस बी को हम एक्स पढ़ रहे हैं, तो एक्स के पावर एन माइनस वन होगा, एन बोले तो माइनस टू और फिर माइनस वन, एन माइनस वन है ना, ठीक है। अब एक्स का कोएफिशिएंट ए वो फिर से निकलेगा, एक्स का कोएफिशिएंट ए वो फिर से निकलेगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या निकलेगा ए वो फिर से निकलेगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया माइनस वन, ठीक है, और यहां पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ पर माइनस टू है, तो दो को माइनस है तो दोनों माइनस को यहाँ पर लिख दिए माइनस वन के पावर टू, और यहाँ पर एक टू ए और यहाँ पर एक टू ए, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए के माथे पर दो, और यहाँ पर भी एक है, ठीक है, और यहाँ पर दो है, तो इसको वन इंटू टू लिख दीजिए, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के माथे पर कितना हो जाएगा माइनस तीन, हुआ ना, माइनस तीन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इसको हम लोग और इलेबोरेट करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है, ये वाई टू तो हो गया, फिर y3 करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो y3 करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन के पावर टू है, a टू द पावर टू है, वन इंटू टू है, माइनस थ्री फिर से बाहर निकल जाएगा, है ना, माइनस थ्री, और ax प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा n माइनस वन, तो माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है, और x का कोएफिशिएंट a फिर से बाहर निकल जाएगा, तो आपका कुल मिला के हो गया माइनस वन के पावर, यहां पर माइनस थ्री है तो एक दो ठो माइनस, और यहां पर माइनस एक, तो माइनस वन के पावर तीन, और यहां पर ए स्क्वायर है उसको लिखिए, और वहां पर एक ठो ए है, यहां पर भी है, तो यहां पर जो ए के माथे पर तीन, और यहां पर हो जाएगा एक गुने दो गुने और एक ठो ये तीन, ठीक है, और ये एक्स प्लस बी के माथे पर कितना हो जाएगा माइनस का फोर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप चलते चलेंगे वाई एन निकालिएगा, वही निकालना है ना, तो देखिए तीन है तो माइनस वन के पावर तीन हुआ, दो है तो माइनस वन के पावर दो हो गया, और आप अभी देखें क्या कि जब एक था, जब एक था तो क्या था, देखिए जब एक था तो माइनस वन के पावर वन हो रहा था, अब जब दो है तो यहां पर देखिए दो है तो माइनस वन के पावर दो हो रहा है, और जब तीन है तो माइनस वन के पावर तीन हो रहा है, तो जब एन रहेगा तो माइनस वन के पावर एन होगा, और जैसे तीन है तो ए के माथे पर तीन हुआ, ए स्क्वायर और ए मिलकर के ए के माथे पर तीन हुआ, दो है तो ए के माथे पर दो हो रहा है, और एक है तो ऊपर में देखना पड़ेगा, जब एक है तो ए के माथे पर एक हो रहा है, तो कुल मिला के जब एन होगा तो ए के माथे पर एन होगा, ठीक है ना, ए के माथे पर एन हो जाएगा। अब इसमें और एक चीज आप लोग को नोटिस करना है, जब तीन है वाई थ्री है तो उस केस में तीन तक गया, जब दो है, ठीक है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब दो है तो ये कहां तक गया, दो तक गया, जब एक है तब देखिए एक ही है, माइनस वन का पावर वन है, और साथ में एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वन और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर एक है तो एक है, दो है तो एक गुने दो है, तीन है तो एक गुने दो गुने तीन है, ठीक है ना, और n होगा तो एक गुने दो गुने तीन गुने एन तक जाएगा, ठीक ना, तीन है तो तीन तक गया ना, तो n है तो n तक जाएगा, एक गुने दो गुने तीन गुने डॉट 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 एन तक जाएगा। और यहां पर जरा समझने वाली बात है, ठीक है ना, जब तीन है तो वहां पर चार है, एक ज्यादा है, तीन प्लस एक, जब दो है तो वहां पर माइनस तीन है, देखिए जब दो है तो क्या है माइनस तीन है ना, मतलब दो प्लस एक, और जब एक है तब क्या है जरा देखिए, तो एक है तो वन प्लस वन, मतलब माइनस कॉमन ले लीजिए, वन प्लस वन तो दो, वन प्लस वन हर बारी एक ज्यादा है, ठीक ना, और जब एन होगा तब क्या होगा, जैसे तीन है तो तीन प्लस एक है तो माइनस तो लगा ही दीजिए, माइनस तो होबे करेगा, और जब तीन है तो तीन प्लस एक है, जब दो है तो दो प्लस एक है, और जब एन रहेगा तो कॉमन ले लीजिए, एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, है ना, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आगे आप लोग क्या समझ पा रहे कि नहीं पा रहे वो कमेंट सेक्शन में आप कीजिए लिखिए। माइनस वन के पावर एन हो गया, ए के माथे पर कितना हो गया एन हो गया, वन टू थ्री एन तक जाता है तो इसको हम लोग एन का फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है ना, आपने क्लास नाइन्थ में इलेवेंथ में पढ़ा होगा, वन गुने दो गुने तीन गुने एन तक जाएगा तो एन का फैक्टोरियल होता है, और ये माइनस में तो नीचे जाएगा तो एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। हम छोटा कर देते हैं, आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो इसका पीपीटी आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, लॉग एक्स प्लस बी है, तो यहां पर भी वही, अच्छा वहां पर कुछ छूट रहा है ना, हाँ एक छूट रहा है क्वेश्चन,
देखिए एक यहां पर एक और क्वेश्चन है, वो भी छूट रहा था, उसको भी बता देते, हालांकि वो बहुत इजी है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर mx, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन y बराबर आपका ई टू द पावर mx दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट देयरफॉर y का y1 हो जाएगा, तो m बाहर हो जाएगा e टू द पावर mx, क्योंकि x का कोफिशिएंट बाहर हो जाता है डिफरेंशिएशन में। फिर अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और m निकला हुआ है और फिर से m निकल जाएगा और e टू द पावर mx डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx होता है और m कोफिशिएंट है, वो निकल गया, तो y2 बराबर आपका हो जाएगा m स्क्वायर e टू द पावर mx, ठीक है ना। फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे लेकर के इसको, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अगर y3 करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y2 का y3 हो जाएगा, m स्क्वायर होगा और m फिर से बाहर निकल जाएगा और e टू द पावर mx का e टू द पावर mx होगा और m जो है x का कोफिशिएंट वो बाहर निकला हुआ है। अब y3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, m क्यूब e टू द पावर mx। तो आपने क्या देखा, जब एक है, आपने क्या देखा, नोटिस कीजिए, आप ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, जब एक है, क्या है बाबू, जब एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो m का पावर 1 आया, जब दो बार करना तो m स्क्वायर आया, तीन बार करना तो m क्यूब आया, जब n बार करेंगे तो क्या होगा, yn बराबर m टू द पावर n और e टू द पावर mx, यही हो जाएगा आंसर, फुल एंड फाइनल। चलिए हो गया, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो एक बार हम छोटा भी कर देते इसको। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, हम हालांकि नोट्स दे देंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू log ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर क्या होगा, y का y1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, ठीक है ना। तो यहां पर इसको x plus b को हम x बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन लिख नहीं रहे x, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 by x, x बोले तो है ना, x plus b, ठीक है ना। तो x plus b यहां पर लिख दीजिए, लेकिन उससे पहले जो है कि उसको हटा दीजिए, x plus b, x बोले तो x plus b, है ना, log x का x plus b हो जाएगा। और एक बात गौर कीजिएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो वो b निकल, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a निकल जाएगा, ठीक है ना। तो y1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, a, और ऊपर चल जाएगा तो ax plus b के माथे पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये ऊपर चल जाएगा तो यहां पर प्लस 1 है ना, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहां पर y1 का y2 हो जाएगा, a निकला हुआ है, ठीक है। अब माइनस वन बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसको x पढ़ रहे हैं, तो x टू द पावर माइनस वन मतलब n, n बाहर निकल जाएगा और n माइनस वन हो जाएगा, तो ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस वन, n माइनस वन, और x का कोफिशिएंट क्या, a, तो वो भी बाहर निकल जाएगा a। तो यहां पर कुल मिला के y2 बराबर आपका हो गया a a a स्क्वायर और माइनस वन के पावर वन और ax प्लस b के पावर माइनस का टू, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, आ रही होंगी ना बातें। चलिए हाँ ठीक है, अब जरा देखिएगा आगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई टू का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वाई थ्री हो जाएगा, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद माइनस वन का पावर वन है, वो भी रहने दीजिए, और एक्स प्लस बी का पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये सब तो कोफिशिएंट है ना, तो एक्स टू द पावर एन है, तो एन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, माइनस टू बाहर हो जाएगा, और x प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा बोलिए तो n माइनस वन मतलब माइनस टू माइनस वन, और x का कोफिशिएंट क्या बोलिए तो a, a बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर कुल मिलाकर के फिर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए y3 बराबर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3 हो जाएगा और माइनस वन, है ना, फिर माइनस टू, ठीक है, और ये हो जाएगा ax प्लस बी के पाथे पर माइनस का 3। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा y3 बराबर a क्यूब माइनस वन के पावर 2 माइनस वन माइनस वन, और यहां पर लिख सकते हैं एक गुने दो, ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं ax प्लस बी के माथे पर माइनस का 3। तो अब यहां पर एक चीज नोटिस करना है, जब n बार करेंगे तो क्या होगा, वही चीज ना ढूंढेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, जब n बार करेंगे yn होगा, तो yn क्या होगा, इस चीज को नोटिस करना है, ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, पहले a को नोटिस कीजिए, जब एक है तो पावर में क्या एक है, जब दो है तो पावर में दो है, जब तीन है तो पावर में
पावर में तीन है ना, वो तो सिंप्लीफाई करने के बाद तो पावर में तीन आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो कुल मिला के क्या देखा जाए कि जब एन होगा तो क्या होगा आप बताइए। तो एक माथे पर एन होगा, एक एक करके ढूंढेंगे एक एक करके। अब माइनस वन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए तीन है तो दो है, तीन है मतलब जब तीन है तो माइनस वन के पावर दो है मतलब तीन माइनस एक है, सिंपल सी बात है। एन माइनस एक मतलब तीन है तो माइनस वन के पावर टू मतलब तीन माइनस एक तो लिख ही सकते हैं ना। और जब दो है तो माइनस वन के पावर वन, तो जब दो है तो क्या हो गया माइनस वन के पावर दो माइनस एक है ना। जब दो है तो माइनस वन के पावर दो माइनस एक, दो में से एक गया तो एक बचेगा माइनस वन के पावर एक। अब नेक्स्ट देखिएगा जब एक है तब क्या है, तो एक है तो क्या है जब एक है तो है ही नहीं माइनस जो है नहीं, तो फिर इसको क्या लिख सकते हो, देखिए माइनस वन के पावर एक माइनस एक। देखिए जब एक जैसे जब एक है तो माइनस है ही नहीं है, तो माइनस वन के पावर वन माइनस वन, ठीक है ना। तो वन माइनस वन का मतलब जीरो होता है, और माइनस वन के पावर जीरो का मतलब वन हो जाएगा प्लस वन। तो यहां पर देखिए जब जब हमारा क्या है, जब हमारा तीन है, जब हमारा तीन है तो माइनस वन के पावर तीन माइनस एक मतलब तीन में से एक गया तो दो, तो माइनस वन के पावर दो। जब दो है तो क्या है माइनस वन के पावर दो माइनस एक मतलब कि माइनस वन के पावर वन, तो माइनस वन के पावर वन है, हाँ है। और जब एक है तो है ही नहीं है, तो उसके से माइनस वन के पावर वन माइनस वन, देखिए वन में हर बार एक घट रहा है ना। जब एक है तब भी एक में से एक घट रहा है, जब दो है तब दो में से एक घट रहा है, जब तीन है तो तीन में से एक घट रहा है, जब एन होगा तो एन में से एक घटेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना पूरा माजरा। चलिए वही तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जब एक है जब एन है तो उसमें से एन में से एक घट जाएगा। अच्छा जब तीन है तो दो है, यहाँ पर देखिए एक गुना दो है ना, जब तीन है तो दो है, जब तीन है तो यहाँ पर देखिए जब तीन है तो दो है, इसको आप चेक कर रहे हैं तो यहां पर भी तो वही होगा ना, एक गुने दो गुने चलते रहे कहां तक चलेगा, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। जब तीन है तो एक गुने दो है मतलब एक कम है, एन में से एक घट, देखिए जैसे दो है ना तीन है ना, तो क्या होगा तीन, जब तीन है, जब तीन है तो तीन माइनस एक है ना मतलब दो तक गया, और जब दो है तब कहां तक गया जरा देखे तो भाई, जब दो है तो ओनली एक है, तो माइनस को पहले तो कॉमन निकाल लीजिए, माइनस को तो पहले कॉमन निकाल लीजिए, जब दो है तो एक है मतलब टू माइनस वन, टू माइनस वन, ठीक है ना। जब दो है तो एक है, और जब एक है तो क्या है भाई, जब एक है तो कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो उसको हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं, वन माइनस वन नहीं कह सकते, ठीक है। जब एक है तो उसमें हमको अभी विचार नहीं करना है ना, हमको यहां से पकड़ना है। जब दो है तो एक है तो क्या होगा दो माइनस एक, दो माइनस, अच्छा जब तीन है तो क्या है दो है मतलब कि तीन माइनस एक, तीन में से एक गया। तो इसी प्रकार से जब n होगा तब, जब n होगा तो क्या होगा, एक और घट जाएगा n माइनस वन, एन माइनस वन तक जाएगा, n माइनस वन तक, समझ में आ ना। जब तीन है तो तीन में से एक घटा तो मतलब दो तक गया, जब दो है तो उस समय मेरा एक था मतलब दो में से एक घट गया, हर बार एक घट रहा। तो अब जब n होगा तो n माइनस वन तक जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा ax प्लस बी का माथे पर कितना हो जाएगा। जैसे देखिए तीन है तो माइनस तीन है, तो दो था तो माइनस दो था ऊपर में है ना, ax प्लस बी का पावर माइनस दो था। देखिए जब दो था तो माइनस दो था ऊपर में, और जब यहां पर तीन था तो यहां पर माइनस तीन था, जब n था तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा, बोलिए समझ पा रहे। तो इसी चीज को हम लोग लिख देंगे वाई एन बराबर ए के माथे पर एन, और ये माइनस वन के पावर एन माइनस वन, और ये एन माइनस वन तक गया तो इसको लिखेंगे एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये नीचे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी का पावर प्लस एन, ठीक है ए एक्स प्लस बी का पावर प्लस। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, इसको आप छोटा कर देते अब स्क्रीन शॉट ले पाएंगे फिर, ठीक है। चलिए इरेज कर देते हैं, इसको आप उतार सकते हैं या फिर बाद में हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। टाइम एक बार देख लेते कि कितना हुआ, अगर ज्यादा नहीं हुआ होगा, अच्छा आधा घंटा हो गया ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये लेक्चर नंबर आपका सिक्स था। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर सेवन में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आया होगा तो, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही चीप फी में, एकदम कम से कम फी में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, मात्र 500 फी, ओनली 500 फी में जो है कि हम लोग सेमेस्टर वन पूरा कवर करवा रहे हैं, पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, सेमेस्टर टू भी हम लोग 500 में करवा रहे हैं, सेमेस्टर थ्री भी करवा रहे हैं, सेमेस्टर फोर फाइव सिक्स सेवन एट सभी सेमेस्टर आपका 500 में होगा, और इससे कम और कहीं नहीं होगा, और इससे बेटर क्वालिटी और कोई नहीं दे सकता है।
ठीक है ना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। चलिए, और रही बात हम लोग जो है कि कॉपी देख देख के नहीं पढ़ाते, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, हम लोग बिना देख करके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आगे आप लोग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।